असलाकुम कैसे हैं आप सब जैसा कि रमजान आने वाला है तो सोचा आज आपके साथ रमजान की मैं सेकंड एपिसोड शेयर करती हूं यहाँ पर जो है ना आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप घर में समोसे किस तरह से समोसा पट्टी बना सकते हैं समोसे बना सकते हैं और कैसे इनको फ्रीज कर सकते हैं पूरे मंथ के लिए तो कैसे बनाएंगे आइए मिलकर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इसकी फिलिंग के लिए आलू लेंगे क्योंकि समोसा ज्यादातर हमेशा आलू का ही बनता है तो आलू छील लें ऊपर से और बीच में से काट लें ताकि आसानी से जो है वो बॉयल भी हो जाए और मैश करने में भी बहुत आसानी रहे तो ये जो है कट कर लिए हैं और पानी जो है वो खूब गर्म हो गया उसके अंदर सारे आलू डाल देंगे और इनको अच्छा सा बॉयल कर लेंगे और फिर इतनी देर में हम जो है इसकी समोसा पट्टी के लिए डो बना लेंगे आपने समोसा पट्टी भी घर में ही बनानी है और इस तरह से फिलिंग भी तो आप लोग ये रमज़ान से पहले ही सारी प्रिपरेशन करके रख लें यकीन माने पूरा माँ आपके रमजान समोसे कहीं भी नहीं जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हमने जो है ना वो मैदा लिया है आप लोगों ने जितनी बनानी हो आ, समोसा पट्टियाँ उस हिसाब से मैदा लीजिएगा यहाँ पर जो है मैदा लिया है उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला है थोड़ा सा मीठा सोडा हाफ टी स्पून के करीब मीठा सोडा डाला था और वन टी के करीब साबुत जीरा और यहां पर टू टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दिया है और नॉर्मल पानी से इसको टैब वाटर से गूंध लेंगे सेम वैसे ही जैसे हम लोग आटा गूंधते हैं इसको अच्छे से गूंध लेंगे और पांच से दस मिनट के लिए आपने इसको इसी तरह से मुक्खियां लगानी है हाथ से फिर थोड़ा सा ऑयल डालिएगा और फिर खूब सारा इसको गूंधिएगा तो यहाँ पर गूंद के एक पेड़ा बना के इसको जो है वो एक घंटे के लिए आधे घंटे के लिए ज़रूर स्टे दे दीजिएगा इससे डो बहुत अच्छी बनेगी आलू जो है वो बॉईल हो चुके थे तो अब इस इनको छुरी से जो है वो मैश कर लेंगे या मैशर से मैश कर लेंगे तो दरदरा सा इनको रखना है दानेदार सा फिर इसके अंदर हम लोग लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे वन टी, वन टी स्पून नमक डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा खुश धनिया पाउडर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें खूब सारी अच्छा यहाँ पर जो है अगर आपने फ्रीज़ करने हैं समोसे तो इसी फीलिंग को आप हल्का सा ऑयल कढ़ाई के अंदर डाल के इसको हल्का सा बस उसके अंदर ऐसे पका लें बस दो से चार मिनट के लिए फिर ये आलू पानी नहीं छोड़ेंगे और आपके समोसे ख़राब नहीं होंगे पूरा महीना आराम से चलेंगे डो जो है वो स्टे उसका हो चुका था पूरा तो अब उसको निकाला है फिर उसको चार पांच मिनट के लिए अच्छे से गूंद लें और फिर इसके आपने जो है वो छोटे छोटे से खूबसूरत से पेड़े बना लेने हैं क्योंकि अब हम बनाने लगे हैं समोसा पट्टी बहुत ईजी मेथड से यहां पर देखें ये पेड़े हमारे थोड़े से बड़े हैं आप लोग छोटे कीजिएगा पेड़े अगर आप समोसे छोटे दरमिया साइज के बनाना चाहते हैं अगर थोड़े से बड़े साइज के बनाना चाहते हैं तो फिर आप पेड़े भी बड़े कर लीजिएगा अच्छा अब यहां पर पे एक पेड़ा उठाया उसको हम लोग बेल लेंगे पतला सा बहुत पतला बारीक सा आपने बेल लेना है तवा जो है वो इतनी देर में आपने गरम कर लेना है और बस ये फौरन तवे के ऊपर डाल देना है बस तवे पे डाला एक सेकंड दो सेकंड के लिए छोड़िए और फिर इसकी जल्दी जल्दी से आपने साइड चेंज कर देनी है बस ये समोसा पट्टी जो है वो हमारी रेडी हो गई है इसी तरह से दूसरी डाली बस ये थोड़ा सा गोल में थोड़ा सा हो गया था आप लोग सही गोल बनाइएगा इसी तरह से साइड चेंज की और जल्दी से उतार ली बस हल्का सा इनको पकाना है अब इसकी एक लई बना लेंगे जो समोसों को जोड़ने में समोसा पट्टी को आपस में जोड़ने के लिए बहुत ही जरूरी है और जो है ना बहुत यूजफुल है तो आटे को ले लें दो, दो से तीन चम्मच उसके अंदर तो थोड़ा सा पानी डालें और गाढ़ी सी एक लई बना लें तो सारी पट्टियाँ हमारी तैयार हो गई थी ये रोटियां जो है ना बन गई थी और बारीक सी पट्टी होनी चाहिए तभी क्रिस्पी समोसा बनेगा बीच में से काट किस तरह दो कर लें इसलिए मैंने आपको कहा था रोटी छोटी होगी तो समोसा खुद बहुत छोटा होगा अगर रोटी बड़ी होगी तो समोसा भी बड़ा होगा यहाँ पर ये पट्टियाँ हमारी देखें कितनी आसानी से तैयार हो गई हैं कोई यकीन माने आप लोग ये दस मिनट का काम है अगर आप पट्टियाँ इस तरह से बना कर रख लेते हैं और अगर आप ये ही बत, बस इतना करना चाहते हैं तो ये पट्टियाँ जो हैं आप लोग जिप लॉक बैग में रख सकते हैं और फ्रीज कर दें बस ये आप लोग पटियाँ भी फ्रीज कर सकते हो जब आपने बनाने हो इनको निकाल के इसके अंदर फिलिंग कर लें फिलिंग हमारी रेडी होगी थी लई भी और इस तरह से अब आपने समोसे को जो है वो शेप देनी है आपने देखा होगा भी और एक चम्मच भर के इसके अंदर फिलिंग डाल लीजिए फिलिंग इतनी ही डालिएगा कि ये समोसा फटे नहीं इतनी कि इसके अंदर इजीली चली जाए और ये लई से आपने समोसे को अच्छे से जो है वो ब्रश की मदद से हाथ से आप लोग साइड्स पे लई लगा लें जहाँ जहाँ से आपने इसको आपस में जोड़ना है इस तरह से ये खुद ब खुद जुड़ जाएगा आपने टेंशन नहीं लेनी बस यहाँ पर ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि पट्टी आपकी जो है ना वो बहुत पतली होनी चाहिए बारीक होनी चाहिए तभी समोसा क्रिस्पी और जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा यहाँ पर अब आपने इसको इस तरह से दुबाना है एक सेकंड के लिए दबा के थोड़ी देर लिए उसको दबाई रखिए तो ये देखिएगा खुद बहुत बहुत अच्छे से ये समोसे जो हैं आपके तैयार हो जाएंगे जुड़ जाएंगे यहां पर आप एक ट्रे ले लें ले और बना के उसके अंदर रखते जाएं फिर मैं आपको एक समोसा बनाकर दिखा रही हूँ यहां पर एक्चुअली ये समोसे मेरी बहन बनाती है उसी का डिपार्टमेंट है तो ये वो ही बना रही है इसी तरह से सारे समोसे बनाकर आप उनको जो है ना ट्रे में रख लें और उनको फ्रीज कर दें फिर एक दिन बाद या कुछ घंटों के बाद आप निकालें और उनको जिप लॉक बैग में आप लोग डाल के रख लीजिए और फिर उनको जब आपने रमज़ान में फ्राई करना है तो कैसे करना है कि मीडियम सा गरम ऑयल कीजिए उसके अंदर आप जो है ना फ़ौर से निकाल के समोसे डाल दीजिए फ्रीज़र में से निकाल के फ़ोन ऑयल में डाल दीजिएगा ये ना हो कि आप बाहर निकाल के किचन में रख दें तो वो नरम पड़ जाएंगे ठीक हो गया मीडियम सा लो आपका गर्म ऑयल होना चाहिए और लो फ्लेम पर आपने उनको पकाना है बहुत लो नहीं होना चाहिए मीडियम सा हो फिर उनको पकाकर आप अच्छा सा खूबसूरत सा कलर देके निकाल लें तो इस तरह से आपके समोसे जो है वो आपने बनाने हैं समोसा पट्टी बनानी है फिर उनकी फ़िलिंग करनी है उनको आपने तैयार करके फ्रीज करना है इस तरह से फ़्राई करना है और मुझे अवतार में अपनी ढेरों दुआओं में याद रखना है तो कैसी लगी आज की आपको अफतार की वीडियो बताइएगा ज़रूर और ये बहुत ही मज़े के समोसे बनते हैं आप लोग ज़रूर बनाइएगा हमें दो से तीन साल हो गए हम इसी तरह से बनाते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपना ख्याल रखिएगा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़